वेलकम, आपका स्वागत है धमाकेदार। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, चेक चेक चेक। तो भाई लोग देखो, आ चुके हैं अभी हम लोग कहाँ पे, जयपुर चौक पार्टी करके एक जगह है। सो जयपुर चौक पार्टी मेरे को कौन लेके आया ना, मैं तो बताऊँ तो, मैं किसकी बदौलत आया हूँ ना, ये मेरा फ्रेंड है दिवांशु, ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब, और ये हमारे दोस्त है रोहित भाई। सो अभी मैं ना अंदर जाऊंगा और अंदर दिखाता हूँ अभी क्या क्या हम लोग मस्ती करने वाले ना, वो सारी चीजें। मस्ती तो पहले कर ली। अच्छा, मेन अंदर रहेगा। सो गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये बैठने की जगह है, यहाँ पे आप चिल कर सकते हो, फोटो वोटो खिंचवा सकते हो, और यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होती है भाई जयपुर चौपाटी की। ये एंट्रेंस है मेन, यहाँ पे आप अंदर जाओ। अभी हम लोग भी चल रहे हैं साथ में, आप भी चलो। ये काउंटर है जहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा, प्रवेश शुल्क 10 रुपए। ये भाई साहब, ये बाउंसर वाले भी हैं। भैया नाम क्या आपका? रवि दिवाकर नाम है इनका। एक बार वापस से वेलकम, आपका स्वागत है धमाकेदार जयपुर चौपाटी में। तेरी ये तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है, अभी चलते हैं। बात ऐसी कि जगह बहुत प्यारी है, और आप कभी आओ जयपुर तो यहाँ पे बिल्कुल आप आओ, ट्राई करो, खाओ पियो, मस्त मजे करो। और मैं ये बोलूँगा, मतलब बहुत बहुत फैंटास्टिक जगह है, और काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने ये ओपन किया है यूथ के लिए भी, और जो इनको खाने पीने का शौकीन है, लाइक जो चाट वाट ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं, उनके लिए बेस्ट जगह है यहाँ का ना। मैं अभी आया हूँ और लिटरली बहुत अमेजिंग है, लिटरली। अभी अपन जल्दी से चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है खाने पीने का हिसाब, और मैं एक एक करके स्टॉल कवर कर दूँ। भाऊ जी नाम क्या आपका? रमेश शर्मा। यहाँ पे पूरा चाट भंडार है, रेट देख सकते हो आप। भैया क्या मिलता है यहाँ पे? खाना भैया? नहीं, खाना तो मिलता है, खाने में क्या मिलता है, मतलब किस चीज के लिए? क्या सीजलर्स वगैरह ये सब? सीजलर, थाली वगैरह। ओके, नाम क्या आपका? कन्हैया लाल। ये पूरी जो सर्दी में गजक वगैरह होती है देख सकते हैं आप। ये है फेमस छोले भटूरे, देख सकते हो आप, लिखा हुआ भी है। तो भैया आपकी जो स्टॉल है छोले भटूरे के लिए फेमस है, राइट? पर्टिकुलर छोले भटूरे। आपका नाम? मेरा नाम मोनू शर्मा। मोनू शर्मा, तो ये मोनू शर्मा जी हैं, यहाँ पे छोले भटूरे का बहुत सही हिसाब है, एक नंबर। अभी आगे चलते हैं। मन अभी देखो, हर स्टॉल के आगे ना लिखा हुआ है, जैसे ये पाव भाजी हो गया, इससे पहले वाला छोले भटूरे, मतलब किसी किसी स्टॉल ने क्या है ना पर्टिकुलर एक नाम दे रखा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनका फूड उस चीज़ में फेमस हो, तो अभी वो मैं खाऊंगा तभी पता कर पाएंगे भाई। ये आइसक्रीम शॉप आ गई अपनी, कुल्फी, कुल्फा कुल्फी।
ये साउथ इंडियन वैरायटी जिसको डोसा वोसा खाना है। ये भैया राजस्थान का स्पेशल दाल बाटी चूरमा। अंशुल की आंखों में सूरमा। राजस्थान रो डिश आप रो राजस्थान। ये क्या दूध है क्या? आपका नाम भैया? मेरा नाम किशन। किशन भैया बेजड़ वाली थाली करो, दाल बाटी चूरमे की जगह। ये दो थाली करवा लें, बेजड़ वगैरह सदर चूरमा अलग से मंगवाते हैं। चलेगा, आप एक काम करो दो दो थाली करो बेजड़ वाली। तो यार हमने जो करवाया है बेजड़ की थाली करवाया है। तो गाइस ये है बेसन चूरमा, गेहूं चूरमा, गुलाब चूरमा, बाजरा। तो यार देखो ये हम लोगों ने करवाया है बेजड़ की रोटी, आलू प्याज पनीर की सब्जी, और ये है चूरमे का लड्डू, आटे के चूरमे का लड्डू। किसका लड्डू? चूरमे का। यार देखो हमने खाया और वाकई में मेरे को ना बहुत टेस्टी लगा। दिवांशु तेरे को कैसा लगा? बहुत मस्त लगा भाई, भाई सही बता रहा हूँ मैं। रोज में तुम्हें बहुत बढ़िया। तो भैया खा चुके, खा पी के नक्के फुल सेट एकदम। अभी चलेंगे पोष बड़े के कार्यक्रम में। कहाँ पे पोष बड़े? मुझे नहीं पता कि किस जगह होता है, किस सिटी में होता है, लेकिन जयपुर में पोष बड़े बहुत तगड़े तरीके से होते हैं। और अभी मैं वहाँ लेके चल रहा हूँ, पोष बड़े खाएंगे मस्त एकदम। जय श्री राम बोलो सारे मिल गए।